जैनब की मजलिस फर्श बिछाने के साथ वो शाम में पहले हुई, वरना जैनब की पहली मजलिस ये नहीं है। पहली बार एहतमाम मजलिस से ज्यादा मजलिस हुई, फर्श बिछा, सुनने वाले बुलाए गए, फिर मजलिस हुई। और उसमें वो चीज भी आई कि जिसको देख के करबला याद आए, लूट का माल मंगवाया कि जो बचा है ला दो ताकि उसको देख के करबला ज्यादा याद आए। वो सब वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे बुजुर्गों ने उठाया, वहां से लिया। वो सब चीजें जो आज हमारे पास रसूम अदा में, या जो अलम तालिया और ताबूत और ऊंट निकालते हैं, घोड़ा निकालते हैं, ये सब क्या है? इसलिए जैनब ने चीजें मंगवाई थी ताकि उन मुसीबतों को ठीक से विजुअल बनाया जा सके। अब हमें भी वो करना है तो अलम ऐसा होना चाहिए जो फूलों से इतना लदा ना हो कि उस अलम को देख के करबला का अलम याद ना आए, कुछ और याद आए। तो आज हम जोश मोहब्बत में किए दे रहे हैं, जुलजरा की शबी बनाते हैं हम दुलदुल की, हुसैन के घोड़े की, चाहे उसका जो नाम रहा हो, तारीखी बहस नहीं। तो हुसैन के घोड़े की कैसे करबला में याद आएंगे? जब हुसैन की शहादत के बाद आया था तो खून उसके बदन में जगह जगह उसका भरा हुआ था, उसका बदन जख्मी था, तीर जल लगे थे और पेशानी पर अपने आका हुसैन का खून लगा के आया था। तो फिर उस घोड़ा हम ऐसे भी निकालें अगर याद करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको देख के करबला का वो हुसैन की वो सवारी याद आए जो चार दिन से भूख प्यास में अपने आका को लेके हर लाश उठाने के लिए हुसैन जिस घोड़े पे बैठ के गए थे, उसकी याद दिला दे। अलम में मशकीजा अब्बास ने बांधा था तो चमड़े की सूखी सी मश्क थी, तो हमारे पास सोने चांदी की मश्क अगर हम लटका देंगे तो राजाओं का कल्चर तो याद आ सकता है, करबला की प्यास याद नहीं आ सकती। मैं बात भी कह रहा हूँ, इस पर हर तरह की सोच बनती है, लेकिन आप गौर कीजिएगा हमारे मरासिम अज़ा में और हमारी जो अलामात अज़ा हैं, अलम है, ताबूत है, जुलजना, दुलदुल, घोड़ा, जो कहें आप, ताजिया, ये सब चीजें ऐसी होना चाहिए कि बेकसी और बेबसी करबला की याद आए, याद दिलाए हमें। इतनी सजावट न कर दे अपनी मोहब्बत में, सोने चांदी से हजरत असगर के झूले को लाद देते हम, कहां हुसैन के घर में सोने चांदी की चीजें इस्तेमाल होती। लकड़ी का झूला था वो भी जल गया था, आधा आधा बचा था।